नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाजीपुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वैशाली जिले के एक होलसेल सोने की दुकान में करीब 25 लाख के गहने लूटे गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वैशाली जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक होलसेल सोने की दुकान से करीब 25 लाख के गहने लूट लिए। यहां महुआ बाजार गांधी स्मारक चौक स्थित होलसेल सोना दुकान हरिओम ज्वेलर्स में 4 की संख्या में ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले सोना व्यवसायी के पुत्र को गन पॉइंट पर लिया और 2 अन्य बदमाशों ने उसी गली सोना चांदी की गलाई करने वाले 2 कारीगरों को भी गन पॉइंट पर लेकर सोना व्यवसायी की दुकान में ही बंधक बनाकर गहने लूटे और पैदल ही महुआ थाने की ओर भाग निकले। भागने के दौरान लुटेरों ने 4 राउंड फायरिंग भी की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना को अंजाम देकर भागते समय लुटेरे सड़क पर 3 राउंड फायरिंग की, वहीं पुल रोड में 1 राउंड फायरिंग किया। आपको बता दें कि किसी तरह बदमाश वाहन पर सवार होकर फरार होने में सफल रहे। घटना शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे की है। जब आसपास के लोगों को लूट की घटना का आभास हुआ तो दुकान के पास लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही महुआ SDPO नूरुल हक और इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष कृष्णानंद झा व्यवसायी हरिओम सोनी की दुकान पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया। वहीं देर शाम वैशाली पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला भी महुआ पहुंचे और घटना की बाबत जानकारी ली और दुकान में लगे CCTV कैमरे से वीडियो फुटेज को खंगाला गया और हार्ड डिस्क को भी निकलवाया गया। दर्ज हुई प्राथमिकी में लगभग 6 लाख की लूट होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।